दोस्तों, देवी के सम्मान में बनाया गया एक मंदिर जहां गुफाएं 10 लाख सालों से भी ज्यादा पुरानी हैं, एक ऐसा मंदिर जहां देवी माँ अपने कदमों के निशान छोड़ी हैं, एक ऐसा मंदिर जहां कुरुक्षेत्र से पहले अर्जुन ने प्रार्थना की थी और देवी माँ ने उन्हें दर्शन दिए थे। तो समुद्र तल से 5200 फीट ऊंचाई पर बसे इस मंदिर तक पहुँचने के लिए 12 किलोमीटर का बेहद ही कठिन रास्ता तय करना पड़ता है। माना जाता है कि जो भी इंसान इस चुनौती को पार कर लेता है और इस मंदिर के गर्भगृह तक पहुँचता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसके लिए मोक्ष के सभी द्वार खुल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जम्मू के त्रिकुटा पर्वत पर बसे और देवी के 51 शक्तिपीठों में से सबसे शक्तिशाली और जागृत स्थान माँ वैष्णो देवी मंदिर की। जैसे कि मान्यता के अनुसार माँ वैष्णो देवी का जन्म एक ब्राह्मण रत्नाकर के घर हुआ था। दक्षिण भारत में उन्होंने रत्नाकर के घर जन्म लिया, जहां उनका नाम वैष्णवी रखा गया था। दोस्तों, माँ वैष्णवी देवी के मंदिर में आपको तीनों देवी के दर्शन होंगे, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और देवी काली। और अगर आप इस लंबी यात्रा को पूरा करके इस मंदिर की मुख्य गुफा तक पहुंच जाओ तो आपको यहाँ तीन पिंडियाँ दिखेंगी। ये तीन पिंडियाँ माँ शक्ति के तीन अलग अलग रूपों को दर्शाती हैं। सबसे पहली पिंडी काले रंग की है, जो माँ काली को दर्शाती है। दूसरी पिंडी हल्के सुनहरे रंग की है, जो माँ लक्ष्मी को दर्शाती है। और आखिरी पिंडी हल्का सफेद रंग का चढ़ा है और ये पिंडी माँ सरस्वती को दर्शाती है। और ये एक ऐसा मात्र स्थान है जो हमें साक्षात तीनों देवियों के स्वरूप का दर्शन होता है, जिसे पाकर हर वो व्यक्ति धन्य हो जाता है। अगर आप भी मानते हो तो जय माँ वैष्णो लिख कर सब्सक्राइब भी कर लेना।